अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अल्फाज, जुलेखाज किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआओं से अच्छी हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं है ना दाल चावल बना रही हूँ, प्लेन, लेकिन उसके साथ मैं सर्व करने वाली हूँ हैदराबादी चिकन फ्राई। बहुत ही मजेदार बनती है, बहुत ही डिलिशियस होती है, इजी, झटपट, क्विक तो बनती है लेकिन टेस्ट में भी बेहतरीन है, और जो घर के हमारे हाजिर मसाले हैं ना उनमें बहुत ही आसानी से बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ चाय पी रही हूँ और मैं आज सब्जियां क्यों नहीं काट रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि इस रेसिपी के अंदर बेस्ट बात है सब्जियां काटनी नहीं है मुझे, और जो काटनी थी वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। मेरा मतलब है मेरे पास बिरिस्ता रखा हुआ है तो मैं वो यूटिलाइज कर लूंगी। और सिर्फ हाँ, मुझे सौंफ को थोड़ा सा पीसना था, वो मैंने पहले ही कर लिया है, तो मैं तो फ्री हूँ। फ्री अब डायरेक्टली जाऊंगी अंदर और रेसिपी चालू कर दूंगी। सो है इजी, झटपट भी है और आप देख सकते हैं ज्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। तो चलिए मैं थोड़ी चाय पी लूँ और उसके बाद मेरे साथ चलिएगा किचन में। ये है 500 से 600 ग्राम के दरमियान की चिकन। आप चाहें तो 500 भी ले सकते हैं। ये हड्डियों के साथ है और मैंने पीसेस ना मीडियम करवाए हैं इस बार। बड़े बड़े जो पीसेस करवा दी थी ना उससे मैंने कम, छोटे ही करवाए, मतलब मीडियम पीसेस हैं। इसकी चर्बी निकाल लिए, दो तीन पानी से धो लिया, नितार कर इसे एक बाउल में डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी, यहाँ पर मैं 1.5 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा। आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालिए, 1 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर डालिए और 1 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सौंफ को पीस लिया था तो इसको भी मैं आधा छोटे चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून नींबू का रस डाला है। अब इसके साथ साथ डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून गाढ़ी दही। यहाँ पर मैंने बिरिस्ता पहले से मेरे पास रखा हुआ था, घर का बना हुआ है, ये 1 कप मैं डाल रही हूँ। हाथ से थोड़ा सा आप क्रश कर लीजिए और उसके बाद डाल दीजिए इसमें, और ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने तकरीबन ढक के 1 घंटे के लिए साइड पर रख दें। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, मैं ढक कर फ्रिज में रख रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, वैसे तो इसमें से कच्चे मसाले से ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ बिरिस्ता का इस्तेमाल किया, वैसे वो मैंने घर में बनाया है, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अच्छा, आप अगर बाजार का भी नहीं ले रहे हो बिरिस्ता और घर का भी नहीं बना रहे हो तो आप क्या कीजिए, 3 प्याज लीजिए मीडियम साइज की, स्लाइस करके काट लीजिए उसे, और पतीली के अंदर अच्छे से तेल डालिए, ज्यादा डालिएगा, और उसके अंदर प्याज डाल दीजिए और प्याज को फ्राई करें। तब तक फ्राई करें जब तक वो लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लीजिए, छान कर निकालिएगा, हाँ, और निकाल कर साइड पर रख दीजिए। और फिर वो जो मैरिनेशन है उसके अंदर जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो क्रिस्पी है वो, तो हाथ से आप क्रश कर देंगे, उसमें डाल दीजिएगा। अच्छा, अब फिर वो जो तेल बचेगा आपका उसे थोड़ा सा निकाल लीजिए, कोई भी सब्जी सालन में इस्तेमाल कर लीजिएगा और थोड़ा तेल रहने दीजिए, उसी में से ही स्टार्ट कर दीजिएगा पकाना, आपका चिकन फ्राई करना, ठीक है ना। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। अच्छा, वैसे यहाँ पर मैंने बिरिस्ता तो बना ही लिया था, पहले से मेरे पास रखा हुआ था घर में बना हुआ। अगर आपने बिरिस्ता अभी फ्रेशली बनाया है तो वही कढ़ाई ले लीजिएगा, तेल निकाल दीजिए उसमें से और हल्का तेल रहने दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 1 डंडी दालचीनी की, 1 तेज पत्ता और 2 हरी इलायची और 2 हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर। मैंने रफली चॉप किया है, आप बारीक भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैं 2 डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं हरी मिर्चियों को। अब ज़रा सा हरी मिर्चियाँ और गरम मसाले तड़तड़ा जाने दीजिए, जब थोड़ा सा हो जाता है, तड़तड़ा जाते हैं तेल के अंदर, फ्लेवर आ जाता है इनका, तो वो जो हमने साइड पर रखी है चिकन मैरिनेट करके, उसे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तो वो सारी डाल दीजिए इसके अंदर। करी पत्ते डाल दीजिए,
वैसे मैंने ये जो कड़ी पत्ते हैं 8-10 डाले हैं, और ये जो चिकन है, ये जो भी मसाला आपकी जो प्याली जिसमें आपने मैरिनेट करने रखा है उसमें से सारा निकाल दीजिए, डाल दीजिए इसके अंदर। बिल्कुल भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना, हमारा मसाला सारा। तो अब इसे डालकर मीडियम आँच कर दीजिए, और ये जो चिकन है इसे ये मसाले में मीडियम आँच पर फ्राई करें। तकरीबन समझिए ना 3-4 मिनट लगेगी, या तब तक फ्राई करें जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का। तब तक ये देखिए अच्छा खासा कलर चेंज हो गया है, कुछ देर बाद 3-4 मिनट हो गई है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी कोथमीर डाल देती हूँ, धनिया पत्ता जिसे आप कहते हैं, मिक्स कर लीजिए। चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर तकरीबन 12 से 15 मिनट रहने दें पकने के लिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। तब तक चिकन का खुद का पानी छूटेगा, उसी में ही चिकन पक जाएगी, तो आपको पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको खोलकर सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हल्का हल्का आप देख सकते हैं ना पानी है, तो इसका खुद के ही पानी में ये आगे भी गल जाएगी। तो अब मैं फिर से इसे ढक देती हूँ, और तकरीबन टोटल 14-15 मिनट पका रही हूँ, या तब तक पकाएं आप जब तक चिकन नहीं गल जाती। चिकन को तकरीबन 15 से 16 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सी हो चुकी है। आप चिकन पहले चेक कर लीजिएगा, मेरी तो हो चुकी है आप देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, मैंने अभी चखा मुझे नमक थोड़ा कम लगा। और चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच, मिक्स कर लीजिए, और इसे तकरीबन 2-4 मिनट तक और पकाएं, या तब तक पकाएं जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाती। बार बार इसे चलाते रहें, हाँ ऐसा ना हो कि फिर चिटक जाए। तो आप वहीं खड़े रहें, बार बार चलाते रहें, जब तक पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाती तब तक इसे आप बार बार चलाते रहें, फ्राई करते रहें। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेगी मैक्सिमम पूरी तरीके से ड्राई आउट होने में, क्योंकि हम तो मीडियम आंच का चूल्हा रख रहे हैं। ये देखिए कम्प्लीटली आप देख सकते हैं ड्राई हो चुकी है, और जो मसाला है वो चिकन को बहुत अच्छे से चिटक गया है, और सिर्फ तेल दिख रहा है। तो अब डाल दीजिए कोथमीर बारीक कटी हुई, आधा नींबू का रस डाल दीजिए। आपने नींबू का रस नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, लेकिन डालिएगा अच्छे फ्लेवर के लिए, और इसे मिक्स कर लीजिए और चूल्हा कर दीजिए बंद। तो ये बन गई हमारी हैदराबादी चिकन फ्राई, बढ़िया सी मज़ेदार, एकदम इजी, सिंपल और टेस्ट में बढ़िया। चलिए मैं गर्मा गर्म इसे निकाल लेती हूँ बढ़िया से। बिस्मिल्लाह, देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से एकदम मजेदार से लग रहे हैं हमारे चिकन के पीसेस। अब इसे आप जब सर्व करेंगे ना, तो थोड़ी सी कोथमीर ऊपर से डाल दीजिएगा फ्रेशली बारीक काट कर, और प्याज को है ना रिंग्स शेप में काट लीजिए। अच्छा, अब आपके पास दो तरीके हैं, प्याज को आप रिंग शेप में काट कर आप जब चूल्हा बंद करते हैं उस समय प्याज को, कच्ची प्याज ये वाली ऐसी रिंग शेप में डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए, या फिर इस तरीके से प्रेजेंटेशन के हिसाब से ऊपर रख दीजिए और खाइएगा इसके साथ। बड़े मज़ेदार लगते, क्रंची क्रंची मुंह में आते, तो बड़े टेस्टी लगेंगे आपको। सो बस ये थी आज की हमारी झटपट सी रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो शर्माइएगा मत, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी भी लगे तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड भी कीजिएगा इनके लिंक्स। मैं चिकन हैदराबादी फ्राई रोस्ट को दाल चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। चावल को मैंने बघारे हुए हैं, और दाल भी असली घी से मैंने तड़का मारा है लहसुन और हरी मिर्ची का, तो मैं उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी चाहे तो आप मेरी तरह सर्व कीजिए, या फिर एज इट इज़ एज एन एपेटाइजर सर्व कीजिए। तो चलिए फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।